हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम आने वाले एचपीटीजीटी मेडिकल दिसंबर 2024 के लिए बायो के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये एचपी टेट के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले टीजीटी, एचपी टेट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हिमाचल प्रदेश के होते हैं, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोगों को डैश कहा जाता है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाले रोग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संचारी रोग, यानी कि कॉम्युनिकेबल डिजीज। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका कॉम्युनिकेबल डिजीज। अगर मैं बात करूं डीजेनरेटिव डिजीज, यानी अपकर्षक बीमारी, ये वो रोग होता है जो समय के साथ खराब होता जाए, मतलब उसकी कंडीशन जो है वो अकॉर्डिंग टू एज जो है वो खराब होती जाती है, तो इसको बोलते हैं डीजेनरेटिव डिजीज। और नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कभी भी फैल नहीं सकता, यानी कि इसको बोलते हैं गैर संचारी रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्या है? निम्नलिखित में कौन सा रोग असंक्रमण रोगों का उदाहरण है? तो ऑप्शन है हमारे पास कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। ये तीनों जो ऐसी डिजीज है जो कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकती है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये तीनों बीमारियां जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसफर हो सकती, यानी कि ये कौन सी डिजीज है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ, यानी चोट के दौरान अत्यधिक रक्त स्राव की कमी है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन ई। क्या होता है एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी कि ब्लड जो है वो रुकता नहीं है, अगर कहीं आपको चोट लगती है तो उसमें जो है ब्लड जो है वो रुकता नहीं है, यानी कि ब्लड की क्लोटिंग जो है वो नहीं होती है, ब्लड की क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड जो है वो रुकता ही नहीं, उसमें थक्का जो है वो ब्लड का नहीं जमता है, तो ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें विटामिन के की कमी से जो एक्सेसिव ब्लीडिंग है वो कंट्रोल नहीं होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन अमीनो एसिड रेसिड्यू इन एन प्रोटीन, एक प्रोटीन में अमीनो एसिड अवशेषों का औसतिक आणविक भार कितना होता है? औसतिक आणविक भार, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना होता है? अमीनो एसिड्स की बात करें, अमीनो एसिड्स किस में होते हैं? प्रोटीन्स में। अगर मैं प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स की बात करें तो कितने अमीनो एसिड होते हैं? 20 अमीनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें हमने बताना है कि अमीनो एसिड्स की मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट की एवरेज कितनी होती है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, 110 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। क्या बोलता है, मस्तिष्क का कौन सा आसन संतुलन संतुलन और साम्य बनाए रखने के लिए नियंत्रण करता है? क्या बोलता है ये कि ये बॉडी का इक्विलिब्रियम पोस्चर, कौन सा पार्ट जो है वो ब्रेन का, वो बॉडी को इक्विलिब्रियम या बैलेंस करके रखता है। हम देखते हैं जब भी हम कहीं, यानी कि मान लो कहीं साइकिल पे जाते हैं या कार पे जाते हैं, तो कहीं नहीं हमारी गाड़ी का जो है वो बैलेंस जो है वो इक्विलिब्रियम बना रहता है। ऐसे ही जैसे कि हम घर में देखें, घर में हम कोई खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, उसको पूरे टाइम पे या फिर एक बैलेंस करके रखते हैं। तो इसमें हमने देखना है कि हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट इस चीज में हमें हेल्प करता है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेरेबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क। ब्रेन का जो सेरेबेलम वाला पार्ट होता है वो जो है वो हमारी बॉडी को इक्विलिब्रियम बैलेंस बना के रखता है। सेरेबेलम यानी कि ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है। इसमें जो ये सेरेबेलम जाल वाला पार्ट होता है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है, ये हमारी बॉडी को एक फुल मेंटेन्ड और बैलेंस बना के रखता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर एंड ऑस्टियोपोरोसिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ, अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है एक डीजनरेटिव डिजीज, यानी कि कौन सी बताई मैंने, डीजनरेटिव डिजीज। एक बार जो खराब होती जाए तो ये खराब होती ही जाती है। तो और इसमें क्या होता है, अल्जाइमर की बात करें तो इसमें पेशेंट जो है वो, इसको भूलने की बीमारी होती है। इसमें पेशेंट जो है वो भूलता, एक बार इसको भूलने की आदत लग जाए तो ये भूलता ही चला जाता है। और अगर मैं बात करूं ऑस्टियोपोरोसिस की, तो ये जो है वो वाइटामिन डी की कमी से जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों की, हड्डियों में जो है हमारी वीकनेस आ जाती है, और ये एक बार आ गई तो ये विद इन टाइम जो है वो खराब होती ही चली जाती है। तो इसको बोलते हैं हम डीजेनरेटिव डिजीज, यानी आकर्षक बीमारी। और कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, और नॉन कम्युनिकेबल जो कि कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसफर हो सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गाइटर आर द एनलार्ज थायराइड ग्लैंड आर मेनली डायग्नोज्ड इन अ पेशेंट विद डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? यानी कि थायराइड का बढ़ने का मेन क्या, कौन सी जो बीमारी है वो कौन से मिनरल से होती है, यानी कि क्या बोल रहा है, बेसिकली जो गाइटर डिजीज होती है वो किसकी, कौन सा मिनरल ऐसा है वो उसकी कमी से हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आयोडीन, यानी कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड जो है हमारी गले में होती है, ये देख रहे हैं डायग्राम, ये नॉर्मल जो है इसकी थायराइड ग्लैंड की इमेज है, बट जब इसकी एनलार्जमेंट यानी कि ये सूजन आ जाती है उसमें, तो कौन सी बीमारी होती है, गाइटर, और किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से होती है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन जो है वे मिनरल की, इस मिनरल की कमी से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बीसीजी वैक्सीनेशन यानी बैसिलस कालमेट ग्वेरिन इज इंजेक्टेड टू गेट इम्यूनिटी फ्रॉम बीसीजी टीकाकरण,
जो है वो उस प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए जो इंजेक्शन है वो इंजेक्ट किया जाता है। ये किस बीमारी के लिए किया जाता है? बीसीजी, ट्यूबरक्लोसिस यानी यक्ष्मा। ट्यूबरक्लोसिस की कई बार एग्जाम में, जैसे बीसीजी है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि इसकी फुल फॉर्म बताइए, तो हमें याद होनी चाहिए बैसिलस कार्मेट यूरिन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेरिडेटरी डिजीज, यानी कि वंशानुगत रोग कौन सा है, इसमें हमने ये बताना है। वंशानुगत रोग ये होता है कि जैसे कि हमारे मान लो ग्रैंड पेरेंट्स को डिजीज है कोई, वो हमारे पेरेंट्स में आई, उनसे पेरेंट्स से वो हम में आई, और हमारे से हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उनमें जो डिजीज आएगी उसी को ही बोलते हैं हम हेरिडेटरी डिजीज यानी वंशानुगत रोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है इसमें क्या होता है, जो ब्लड की क्लोटिंग है वो नहीं बनती है, यानी खून का थक्का जो है वो नहीं बनता है। और इसकी ये किसके कारण भी हो सकता है, विटामिन के की कमी के कारण भी ये हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड कॉल्ड, जो अमीनो एसिड होते हैं उनके बीच के बॉन्ड को क्या कहा जाता है? क्या क्या होता है इसमें? ये हमारे पास दो अमीनो एसिड्स दिए हैं, ये एक है अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड है। इसमें क्या होता है, एक अमीनो एसिड से जो एच ग्रुप है ये बाहर निकलता है और दूसरे में से ओ एच जो है वो बाहर निकलता है, यानी कि वाटर जो है वो इससे बाहर निकल जाए तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, द सेल्स विच एक्ट एज अ पैरासाइट इन अ बॉडी, शरीर में परजीवी के रूप में कार्य करने वाली कोशिकाएं कैसी, यानी कि पैरासाइट एक्ट करती है। तो ऑप्शन दिए हमारे पास श्रवण सेल्स, हिपेटोसाइट्स, कूपर सेल्स या कैंसर सेल्स। यानी ये एक प्रकार से आपके शरीर में हमेशा मौजूद रहने वाली सेल्स है। कई बार क्या होता है, ये सेल्स जो है वो हमारे ही शरीर से हमारे ही सेल्स को खाना शुरू कर देती है। तो हमने बताना है कि ऐसी कौन सी सेल्स होती है जो हमारे शरीर में प्रेजेंट रह के ही हमारे शरीर को खाना स्टार्ट कर देती है। तो ये होती है हमारे ऑप्शन नंबर डी, कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स ऐसा नहीं है कि जिस पेशेंट को कैंसर नहीं है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट को कैंसर नहीं है और कैंसर सेल्स नहीं प्रेजेंट होगी, नहीं ऐसा नहीं है कि, बल्कि जो कैंसर की सेल्स है वो ऑलरेडी हमारे शरीर में प्रेजेंट होती ही है, पर कई बार क्या होता है वो कि वो खराब हो जाती है और हमारे ही सेल्स को खाना शुरू कर देती है। इन्हीं सेल्स को क्या कहते हैं, कैंसर सेल्स कहते हैं। अगर मैं बात करूं श्रवण सेल्स की, तो ये होती है हमारे नर्व सेल्स की, हमारे यानी कि न्यूरॉन्स में ये सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। और अगर बात करें हिपेटोसाइट सेल्स की, तो ये हमारे लीवर में प्रेजेंट होती है। और कूपर सेल्स जो है ये भी हमारे लीवर में प्रेजेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टैब वैक्सीन इज यूजफुल अगेंस्ट, टैब वैक्सीन किसके खिलाफ उपयोगी है? टैब वैक्सीन जो है हमारे टाइफाइड के केस में
लगाई जाती है, और ये टाइफाइड चाहे वन हो या टाइफाइड ए, यानी टाइफाइड ए हो या फिर टाइफाइड बी हो, ये दोनों में यूज की जाती है इस नाम की वैक्सीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि रतौंधी जो है वो बीमारी वो किसकी कमी से होती है। रतौंधी जो है वो हमारी, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जो है हमारे नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज जो है वो होती है। और मैं बात करूं विटामिन ई की कमी से, विटामिन ए की कमी से एक और बीमारी होती है जिसका नाम होता है जीरो थैलेमिया, ये भी याद रखना है, जीरो थैलेमिया, ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन लीड्स टू एक्सक्लूजन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट व्हेन बेबी सक्स इट, बच्चे को दूध पिलाते समय कौन सा हार्मोन सतन से दूध के निष्कासन की ओर ले जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हमारी कौन सी ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है, याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे प्रोलैक्टिन जो है वो रिलीज होता है। और प्रोजेस्ट्रॉन की बात करें तो प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के टाइम जो है वो सपोर्ट करता है, और अगर मैं एस्ट्रोजन की बात करूं तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में सपोर्ट करता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट इज आल्सो नोन एज, मुख्य अग्नाशय वाहिनी के रूप में भी जाना जाता है। अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, हमारा पैनक्रियाज, हमारा पैनक्रियाज जो है वो लीप शेप का, मोस्टली जो है वो लीप शेप का होता है। बोलता है कि इसमें जो एक ये वेन होती है, ये होती है वाहिनी यानी कि डक्ट होती है, इसका क्या नाम होता है। तो ऑप्शन है डक्ट ऑफ रेविनस, डक्ट ऑफ वायरसन, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी और डक्ट ऑफ वार्थन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा डक्ट ऑफ वायरसन। तो इसी को ही हम, ये जो डक्ट जाती है इसी को ही पेनक्रियाज की, इसी को ही बोलते हैं हम डक्ट ऑफ वायरसन। क्लियर है? तो आज के लिए ही इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।